वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज के इस क्लास में हम लोग UPSC सी सेट में आए हुए हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टीम के एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को इंस्टॉल कीजिए, जहां पर PCS 2024 के लिए बैचेस चल रहे हैं, आप उनको परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को एक कदम आगे लेकर जाइए। चलिए फिर बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप को परचेज करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के अतिरिक्त आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क करके जिस बैच को परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, पहले स्लाइड पर यहाँ पर दिया है यथाशक्ति में कौन सा समास है। देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, अब अगर आप देखेंगे तो ये पहला वर्ड जो है आपका एक तरीके से अव्यय दिख रहा है ना। जब कभी भी अव्यय होता है तो अव्ययी भाव समास होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। इसके अतिरिक्त ना आप एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, अगर कोई भी शब्द अनु बे यथा हर प्रति भर इन सब शब्दों से शुरू होता है, जैसे मान लीजिए और भी शब्द आ हो गया है ना, इन सब शब्दों से बद हो गया, अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये सब हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है। अनु बे यथा हर प्रति भर आ बद, तो इनसे स्टार्ट होने वाले शब्दों में हमेशा अव्ययी भाव समास होता है, तो आप यहाँ से इसको टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है इसमें। देखिए, निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं है, काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ये प्रश्न है। तो देखिए, काम की बात करेंगे तो काम का मतलब कामना होता है, सही है ना। कार्य होता है, ये भी सही है। काम का मतलब इच्छा होता है, ये भी सही। तो तीन ऐसे वर्ड है जो काम के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इसमें जो स्वभाव दिया है, स्वभाव काम का अर्थ नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, जी जीविसा का अर्थ है, मतलब इसमें पूछा जा रहा है जी जीविसा का अर्थ क्या होगा। अगर जी जीविसा की बात करेंगे तो जी जीविसा का मतलब होता है जीने की इच्छा, तो जीने की इच्छा ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जैसे जीतने की इच्छा अगर लिखा है तो जीतने की इच्छा को जिगिसा कहते हैं, इसको याद रखिएगा। परोपकार की इच्छा, इसके लिए मतलब कोई विशेष एक शब्द नहीं है। युद्ध की इच्छा को युयुत्सा कहते हैं, तो ये कुछ शब्द हैं जिनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, समवाय शब्द का अर्थ है। जो समवाय अर्थ होता है, समवाय का अर्थ होता है समूह, टोली, समुदाय, संगठन, ये सब चीज, ठीक है। तो देखिए, इसमें दिया है समवाय का अर्थ होगा समूह, ठीक। देखिए, समवयस्क ये नहीं है, है ना, समान वायु ये भी नहीं है, अच्छा समय ये भी नहीं है, तो समूह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए, अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, पुरुषवाची सर्वनामों के लिए के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, मतलब यहाँ पे सर्वनाम के बारे में आपको कुछ शब्द दिया गया, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा शब्द सही नहीं है। देखिए, वह का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। देखिए, पुल्लिंग का मतलब आप लड़के के स्थान पर भी वह यूज कर सकते हैं और लड़की के स्थान पर भी वह का प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए आपने बोला महेश किताब पढ़ रहा है, महेश की जगह आप वह लिख सकते हो, वह किताब पढ़ रहा है, बिल्कुल सही होगा। आपने बोला राधा गीत गा रही है, ठीक है, अब राधा की जगह आप वह भी बोल दीजिए, वह गीत गा रही है, बिल्कुल सही होगा। तो ये पहला ऑप्शन तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, है ना। हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक की बहुवचनी रूप है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। तो जो हमें है, हमें क्या होता है, उत्तम पुरुष है, बिल्कुल सही है। देखिए, प्रथम पुरुष की बात करेंगे, जैसे वह, यह, ये सब चीज़ें होती है। द्वितीय पुरुष में तुम होता है ना, उत्तम पुरुष में मैं और हम होता है, तो फिर यह हमें बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर तीसरे की बात करेंगे, संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ को मैं का मेरे को नहीं होता है ना, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा गलत हो जाएगा। यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं, ठीक है, यह ने, बिल्कुल ठीक है। तो ये देखो, तीन ऑप्शन सही है, तो इसमें गलत प्रयोग किया गया ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो बनेगा, आंसर बनेगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में निम्नलिखित हिंदी वर्डों में से अयोगवाह कौन सा है। देखिए, अयोगवाह की बात करेंगे तो अंग और अह, ये अयोगवाह होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा, एकदम साधारण सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित वर्डों में कौन सा वर्ड मूर्धन्य नहीं है। देखिए, आपने ये ट्रिक भी याद किया होगा, के टी एम डी ओ, है ना, K
के फार मतलब जो क वर्ग होता है, क वर्ग होते हैं कंठ, है ना। च वर्ग होता है तालु और ट वर्ग होता है मूर्धन्य, है ना। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ट वर्ग से बाहर का है ना, जो ट वर्ग से बाहर होगा वही मूर्धन्य होगा। देखिए ट ठ ड, है ना, ये तीनों ट वर्ग के, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ज। ज जो है ये च वर्ग से आता है और च वर्ग का उच्चारण स्थान तालब या तालु होता है, मूर्धन्य नहीं होता। आठ कन्नौज या नौ चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? देखिए आठ कन्नौज या नौ चूल्हे इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक सामान का उपलब्ध होना। ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे तो पहला, देखिए अधिक व्यक्ति होने से काम बिगड़ना नहीं होगा, है ना, अलगाव की स्थिति नहीं होगा, खराब खाना बनना ये भी नहीं हो जाएगा। देखिए आवश्यकता से अधिक सामान को होना, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे आठ कन्नौज है मतलब आठ लोग हैं और बाकी नौ चूल्हे, तो आवश्यकता से ज्यादा सामान है। आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे एक पैसेज दिया है, 9 से 13 तक का जो क्वेश्चन है इस पैसेज के बेसिस पर बनेगा, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पैसेज। देखिए धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास करता है, ठीक है, यहाँ से देखिए पकड़ते हुए चलेगा, धर्म जो है मनुष्य के अंदर देवत्व का विकास करता है, ठीक। धर्म न तो पुस्तकों में है न ही धार्मिक सिद्धांतों में, मतलब धर्म न तो आपको पुस्तक में मिलेगा और न ही धार्मिक सिद्धांतों में मिलेगा, यह केवल अनुभूति में निवास करता है। अनुभूति मतलब आप महसूस करेंगे धर्म को तब ये धर्म मिलेगा आपको। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है, मतलब जो धर्म है जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। पूर्णता ज्ञान और आनंद कि ये निचले स्तर पर नहीं है, मतलब ये बोला जा रहा है पूर्णता ज्ञान और आनंद निचले स्तर पर नहीं है, उनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। मतलब अगर आपको ज्ञान चाहिए आनंद चाहिए तो आपको जीवन के उच्च स्तर पर आना है। जहाँ ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। जीवन का स्तर जहाँ हीन है इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर है, मतलब जहाँ पे जीवन का स्तर निचले स्तर पर है वहाँ पर इंद्रियों में आनंद है। देखिए धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है, तो अभी अभी आपने देखा था, देखिए पहला लाइन ये, धर्म मनुष्य के भीतर देवत्व का विकास करता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, स्लाइड नंबर 6। देखिए इसमें क्या दिया है, धर्म कहाँ निवास करता है, तो आपने देखा था पीछे पैसेज पढ़ा था, धर्म अनुभूति में निवास करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए समाज राष्ट्र सब होगा नहीं, इंद्रियों का आनंद कहाँ प्रखर पर होता है, देखिए आपने अभी अभी पैसेज में देखा था इंद्रियों का आनंद प्रखर पर वहाँ होता है जहाँ पर जीवन का स्तर निम्न होता है या हीन होता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, जहाँ अच्छाइयाँ हो वहाँ पर नहीं होगा, है ना, जहाँ जीवन का स्तर उच्च स्तर नहीं, मतलब जब जीवन उच्च स्तर पर नहीं मतलब जीवन हीन स्तर पर है वहीं पर इंद्रियों का आनंद सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर्ग नर्क ऐसा जिक्र पैसेज में कहीं किया ही नहीं है। जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, मतलब जीवन के उच्च स्तर पर आने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पैसा सुख ये गलत हो जाएगा, है ना, प्रेम और सद्भाव की भावना, है ना, ये भी गलत हो जाएगा, पूर्णता ज्ञान और आनंद, है ना, पूर्णता ज्ञान और आनंद जहाँ होगा वहीं जीवन उच्च स्तर पर पहुँच पाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। देखिए आपसी सद्भाव का स्वरूप ऐसा कोई जिक्र नहीं है वहाँ पे, है ना, कर्म का स्वरूप ये भी नहीं है, है ना, सुख का स्वरूप ये भी नहीं है, धर्म का स्वरूप, क्योंकि पूरी बात धर्म को मिला करके की गई थी, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धर्म का स्वरूप। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 7। परिताप का अर्थ क्या है, देखिए परिताप का अर्थ होता है पीड़ा, है ना, पीड़ा हो गया संताप हो गया ये सब चीज़ें होती, तो देखिए जलन ये इसका पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है, है ना, ज्वाला ये भी नहीं है, है ना, प्रमाण ये भी नहीं, तो परिताप का अर्थ हो जाएगा संताप, संताप का मतलब दुख पीड़ा ये सब चीज़। कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण, देखिए क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक। तो देखिए कभी ना कभी इसने जो क्रिया विशेषण है यौगिक क्रिया विशेषण है, बाकी क्रिया विशेषण के क्लास में विस्तृत स्वरूप में इसका वर्णन किया जाएगा। निम्नलिखित में विवृत स्वर है, देखिए विवृत स्वर की बात करेंगे तो विवृत स्वर वो होता है जिसको बोलते समय जो होठ है वो गोलाकार हो जाए, ठीक है, तो इसमें देखिए आ, है ना, ओ, ये सब विवृत स्वर होते हैं, तो देख लीजिएगा इसमें कौन ऑप्शन दिया है। देखिए आ का जिक्र नहीं किया गया इसमें, ओ दिया है, तो ओ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है, मतलब कौन सा वाक्य विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है। देखिए क्रोध यहाँ पे बिल्कुल सही है, चाहे जैसा भी हो, देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम लग गया तो ये गलत हो जाएगा, ये पहला वाला गलत हो गया। आगे है क्रोध यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह है तो ये भी गलत हो गया, है ना, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है ये बिल्कुल सही दिख रहा है, बाकी आगे भी चेक कर लेते हैं, क्रोध यहीं पे पूर्ण विराम है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पर दिया है
18 जगत प्लस ईश बराबर जगदीश में कौन सा संधि है। देखिए ये जो पेपर में आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे जगत में त में हलंत लगा होना चाहिए तब ये जगदीश बनेगा। ठीक, अगर ऐसे लिख दिया जाए, अगर जगत प्लस ईश लिख दिया जाए, अगर ये वर्ड लिखा गया तब तो ये जगदीश बनेगा, है ना। जगदीश ये आपका संधि मतलब ये स्वर संधि में चला जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर यहाँ पे हलंत लगेगा तब ये बनेगा जगदीश, है ना, जगदीश बनेगा और ये होगा आपका व्यंजन संधि। तो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है, व्यंजन संधि होगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन यहाँ पे हलंत लगा होना चाहिए। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। देखिए एकदम बेसिक सा हुआ है ना, तो धातु में मतलब क्या होता है, धातु से क्रिया बनता है। तो देखिए सर्वनाम विशेषण ये सब गलत हो जाएगा, धातु इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। मसृण शब्द का विलोम है, देखिए मसृण का मतलब होता है चिकना, है ना, मतलब चिकना है, स्मूथ है, वो मसृण होता है। तो इसमें इसका जो उल्टा हो जाएगा रुक्ष हो जाएगा, रूखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पर, नेक्स्ट देखिए नवा स्लाइड यहाँ पर देखिए। अब ये हिंदी के जो 20 क्वेश्चन थे ये पूरे के पूरे डन हो गए, अब हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इंग्लिश में ना 21 से लेके 25 तक जो है ये पैसेज दिया है, आपको पैसेज पढ़ना है और इस पैसेज के बेसिस पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर आपको देना है। लिखा भी है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज, है ना, आपको पैसेज पढ़ना और उन प्रश्नों का उत्तर देना जो फॉलो करता है। देखिए एजुकेशन इज अ डिवाइस फॉर हेल्पिंग अ मैन टू ग्रो टू हिज फुल स्टेचर, है ना। देखिए मतलब एक आदमी को पूरी तरीके से डेवलप करने के लिए जो जो डिवाइस हेल्प करते हैं वो कौन है, एजुकेशन है ना। आगे बढ़ते हैं, इट एनेबल्स हिम टू रियलाइज हिज नेचर बोथ मेंटली एंड स्पिरिचुअली एंड इन दैट रियलाइजेशन टू बिकम ऑल दैट ही हैज इन इट हिम टू बी, ठीक है, मतलब ये उसको हेल्प करता है। तो देखिए कुल मिला जुला के अभी मैं पूरा पैसेज आपको बता रहा हूँ क्या करना है। देखिए जब कभी भी आपके सामने ऐसा पैसेज मिले तो आपको तुरंत स्कीमिंग करनी है, स्कीमिंग मतलब जल्दी जल्दी आपको देखना है सरसरी निगाह में कि किस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है। ठीक, देखिए आगे देखेंगे, जैसे इट इज़ टू द चाइल्ड, अब ऐसे पूरा नहीं पढ़ना, ठीक है। देखिए जो जो मेन मेन वर्ड है, चाइल्ड व्हाट परफेक्ट गार्डनिंग, है ना, यहाँ पे दिख रहा है गार्डनिंग के बारे में कुछ है, इस टू ट्री, है ना, कुल मिला जुला के स्कीमिंग का मतलब ये होता है कि आपको पूरा पैसेज ना ऐसे सरसरी निगाह में देख लेना कि किसके बारे में बात किया जा रहा है। अगर आप स्कीमिंग सही से करेंगे तो एक मिनट 15 सेकंड इतने के आसपास में ना आप आराम से पूरे पैसेज को क्लियर कर लेंगे, है ना, आप देख लेंगे। अब इसके बाद ना क्या होगा, अब आपको क्वेश्चन पर आना है, स्कीमिंग करिए फिर तुरंत क्वेश्चन पर आइए। देखिए एजुकेशन इनेबल्स अ मैन, एजुकेशन आदमी को क्या बनाते, तो यहाँ पे देखिएगा एजुकेशन इज अ डिवाइस फॉर हेल्पिंग अ मैन टू ग्रो टू हिज फुल स्टैचर, है ना, मतलब एजुकेशन क्या करता है, देखिए यहाँ पे उसको डेवलप करता है। इट इनेबल्स हिम टू रियलाइज हिज नेचर बोथ मेंटली एंड स्पिरिचुअली, मतलब देखिए यहाँ पे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्या करता है, एजुकेशन इनेबल करता है टू रियलाइज, देखिए यहाँ पे लाइनिंग भी क्या क्या, ठीक है, टू रियलाइज हिज नेचर बोथ मेंटली एंड स्पिरिचुअली, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले पैसेज पर आते हैं, व्हाट एन एजुकेटेड मैन इज एबल टू सी इन द वर्ल्ड, है ना, मतलब एक जो एजुकेटेड मैन है वो इस संसार में क्या देखने में सक्षम है। जब आप इसकी स्कीमिंग करेंगे ना तो आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ेंगे, देखिए टू अ मैन ट्रेंड, ठीक है, आगे बिकम्स लार्जर मोर, देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए टू द मैन ऑफ ट्रेंड फैकल्टीज एंड डेवलप टेस्टेस द वर्ल्ड बिकम्स लिटरली अ लार्जर प्लेस लार्जर एंड द मोर एक्साइटिंग ही इज एबल टू सी। देखिए यहाँ पे वो क्या है, एबल है सी करने के लिए मोर ब्यूटी मोर वेराइटी मोर स्कोप, है ना, तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, मोर ब्यूटी मोर वेराइटी मोर स्कोप, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर, अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, स्लाइड नंबर 10। अब यहाँ पे देखिए दिया द पैसेज यूनिवर्स ऑफ माइस्टी एंड अ टीजर हाउस ऑफ ब्यूटी मीन्स, है ना, तो इस पैसेज को पढ़ेंगे, इस पैसेज में इसका मीन मिलेगा, तो देख लेते हैं पैसेज में कि इसका मतलब क्या है। देखिए कहाँ गया, स्लाइड नंबर है ये 9, ठीक, देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, देखिए द यूनिवर्स, एक बार पूरे पैसेज को ही पढ़ लेते हैं, है ना, या फिर देखिए यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ यूनिवर्स इज कंसर्न वाइल एजुकेशन डिमिनिश Uncertainty of what is it widens his sense of possibilities of what may be and transform the world from humdrum sense of workshop, factory and office to the universe of mystery and treasure house of beauty. ठीक, अगर आप इसको आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पैसेज जो दिया है, ठीक है,
तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आप इसको आराम से टिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 11। देखिए यहाँ पे दिया इन द सेंटेंस ही फिनिश्ड द जॉब एट वन गो द वर्ल्ड गो इज। देखिए ही फिनिश्ड, ही मतलब उसने फिनिश्ड मतलब समाप्त कर दिया द जॉब काम को एट वन गो जो है ना, एट वन गो ये पूरा फ्रेज होता है एक तरीके से, ऐसे समझ लेना पूरा एक फ्रेज है ना, और इस फ्रेज का मतलब होता है एक झटके में या फिर एक ही बार में। ठीक है, अब देखिए उसने एक बार में अपना काम पूरा कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे आप बोलेंगे तुरंत, एक झटके में, एक बार में, तो यहाँ पे ये पूरा ना नाउन के जिक्र, नाउन का जिक्र करेगा। जब ये पूरा का पूरा नाउन हो जाएगा, पूरा ग्रुप नाउन है, तो नाउन का छोटा सा टुकड़ा भी क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो गो काम करेगा ये नाउन का काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। आगे है चेंज द सेंटेंस आई नेवर ईट मीट ही एक्सप्लेन्ड इन टू द इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए अब आपको क्या करना है, आई नेवर ईट मीट है ना, इसे क्या करना है, ही एक्सप्लेन्ड, ही मतलब देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस ऐसे होगा ही एक्सप्लेन्ड, ठीक है, आई नेवर ईट मीट, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आई है, आई है ना। अब जब आपने नरेशन का रूल पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन, ये हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पे जब भी आएगा ही एक्सप्लेन्ड दैट है ना, फिर आगे यहाँ पे ही रहेगा, जिस ऑप्शन में ही नहीं होगा ना वो गलत हो जाएगा। देखिए ही एक्सप्लेन्ड दैट आई मीट, ये पहला कट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, ही एक्सप्लेन्ड टू ईट मीट, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ही नहीं है। देखिए ही एक्सप्लेन्ड दैट ही नेवर एट मीट है ना, आगे देखते हैं ही एक्सप्लेन्ड दैट ही नेवर इट्स मीट। देखिए यहाँ पे अब दो में से ना, सॉरी यहाँ पे देखिए आई हो गया, देखिए आई हो गया तो आई भी गलत हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे आराम से आप चेक कर सकते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है, आपको छोटा सा क्ल्यू पकड़ना है, तो जरूरी नहीं कि आप इसी क्ल्यू के साथ जाइए, आप इसको डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बाकी एक छोटा सा क्ल्यू था जिसके माध्यम से आप आसानी से पकड़ सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा है, जो ही है ना, ही ये फर्स्ट पर्सन, देखिए यहाँ पे जो आई है, आई है ना, आई क्या होगा, इस ही के हिसाब से बदलेगा, तो ही को हम लोग ही लिखेंगे, तो ही एक्सप्लेन दैट ही नेवर एट मीट, ये इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न है द वर्ल्ड, सॉरी द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड लिखा गया रेंडेजुअस मीन्स, ठीक है, जो रेंडेजुअस वर्ड लिखा गया इसका मतलब क्या होता है। तो अगर रेंडेजुअस वर्ड्स की बात करेंगे तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा स्थान जो मीटिंग के लिए मतलब निश्चित किया गया। जैसे मान के चले ना, आपने एक प्लेस को फिक्स कर दिया, आपकी मीटिंग होनी है, आपने प्लेस को फिक्स कर दिया कि मीटिंग यहीं पर होने वाली है ना, तो इसी को रेंडेजुअस कहते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए एंडवेयर ये नहीं होगा है ना, अ प्लेस अपॉइंटेड फॉर अ मीटिंग, ये इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अपने अगले मतलब अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड है, मतलब कौन सा ऐसा वर्ड है जो रॉन्गली मतलब गलत स्पेल्ड किया गया, गलत लिखा गया। देखिए यहाँ पे पहला है करेस्पॉन्डेंस, CORRESPONDENCE, करेस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्राचार, मतलब पत्र के माध्यम से बातचीत करना है ना, आप पत्र लिख के भेज रहे हैं, सामने से भी पत्र आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है ना। आगे कॉन्साइंस, ये भी बिल्कुल सही लिखा गया, अकरेंस OCCURRENCE, ये भी बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही। तो जब तीनों ऑप्शन सही हो गए तो ऑप्शन चौथा ही गलत होगा है ना। कन्वीनियंस लिखना है तो देखो कन्वीनियंस की जो मीनिंग हो जाएगी ये CONVENIENCE है ना, इसका मतलब होता है सुविधा है ना, इसका मतलब होता है सुविधा। ठीक है, तो ये इसका, ये देखिए ये रॉन्ग स्पेल्ड क्या है, इसका सही स्वरूप है। आगे है चेंज द सेंटेंस लेट इट बी डन एट वंस इनटू एक्टिव एज, तो यहाँ पे चीजें पैसिव लिखी गई है ना, अब पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए लेट से स्टार्ट है ना, लेट से स्टार्ट है मतलब जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस एक तरीके से यहाँ पे इम्परेटिव के सेंस में जाएगा, मतलब यहाँ पे आज्ञा सूचक है ना। देखिए लेट इट हैपन एट वंस ये नहीं होगा है ना, ये गलत हो जाएगा। लेट इट अगर ये भी नहीं होगा, अब इन दो में से कोई सही होगा है ना। डू इट एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस ये बिल्कुल गलत दिख रहा है, तो इसका बिल्कुल सही होगा डू इट एट वंस, ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही स्वरूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। 31 क्या दिया, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस है ना, वट एवर इज राइट, इसको पंक्चुएट करना है। ठीक है, वट एवर इज है ना, तो यहाँ पे देखिए वट एवर इज जो भी है इज राइट, क्या सही है, तो ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। देखिए वट एवर यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है, ठीक है, इज ये गलत हो जाएगा है ना, क्योंकि यहीं पर देखिए पूर्ण विराम यहाँ पे लगेगा ही नहीं, वट एवर इज कॉमा लगा है और लास्ट में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, या और यहाँ पे दो बार कॉमा है ये भी गलत हो गया। तो वट एवर इज जो भी है मतलब जो कुछ है इज राइट, क्या सही है, तो ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे चूज द करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए ही गॉट, उसे प्राप्त हुआ, उसे मिला, ही वाज़ इल, जबकि वह बीमार था। देखिए
ही गॉट अंटिल का ये नेगेटिव होता है, ये तो होगा ही नहीं है ना, बिकॉज क्योंकि कोई सेंस नहीं बन रहा, ही गॉट ऑल दो ही वॉज इल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए, और वाइट एलिफेंट इसका मतलब क्या होता है, देखिए वाइट एलिफेंट का मतलब होता है, वाइट एलिफेंट इसका मतलब होता है ना बहुत ही महंगी चीज़, बहुत ही खर्चीला है ना, तो जो बहुत चीज़ खर्चीला होता है मतलब इकोनॉमिकल पोजिशन के लिए सही नहीं होता है, उसी को वाइट एलिफेंट कहते हैं, तो रेयर ऑब्जेक्ट ये नहीं होगा है ना, तो यहाँ पे दिया एन अन इकोनॉमिकल पोजिशन, मतलब वो ऐसा है ना कि आप उसको इकोनॉमिक तौर पे पोजिस नहीं कर सकते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा महंगा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एबोमिनेबल है ना, एबोमिनेबल जो वर्ड लिखा गया इसके लिए आपको क्या करना है, एबोमिनेबल का आपको सिनोनिम चूज करना है, तो एबोमिनेबल का मतलब होता है ग्रिड है ना, जो घृणा योग्य है, तो देखिए घृणा योग्य, अब यहाँ पे देखिए कोल्ड, तो कोल्ड तो भाई ठंडा होता है, ठीक है, एबेज है ना ये भी नहीं होगा है ना, हॉट मतलब ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे डिस्गस्टिंग ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब घृणित, जो घृणा योग्य है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 35, इन द पाइपलाइन मीन्स है ना, इन द पाइपलाइन का मतलब होता है कोई चीज़ पाइपलाइन में, मतलब कार्य प्रगति पर है ना, तो ये देखिए कार्य प्रगति पर है, मतलब इन द प्रोसेस ऑफ बींग डेवलप्ड है ना, किसी चीज़ को डेवलप्ड किया जा रहा है, किसी चीज़ को बनाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा इन द पाइपलाइन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो देखिए ये 35 क्वेश्चन है जो 2020 के PCS के पेपर में आया, ठीक है, UPPCS जो 2020 का पेपर हुआ उसका सी सेट का पेपर था, तो हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश के 35 क्वेश्चन को कवर कर लिया, तो इस प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अगर आप PCS 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से बैच परचेस करके अपनी तैयारी को एक कदम आगे ले जा सकते हैं और अपने सेलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।